टिंडी ही गांव का चर्चित जीवन ज्योति प्रार्थना स्थल ग्राम समाज व समाधि स्थल की भूमि पर अवैध कब्जा कर 3 मंजिला इमारत बनाई गई थी, जो बीते एक पखवाड़े से मीडिया की सुर्खियां बनी रही। जैसे बुधवार की दोपहर बाद SDM व एडिशनल SP ब्रजेश कुमार गौतम, क्षेत्राधिकारी गौरव शर्मा, नायब तहसीलदार हुसैन अहमद सहित सर्किल के सभी थानों की फोर्स, PAC व दमकल कर्मियों के साथ 7 JCB की मदद से अवैध निर्माण गिरना शुरू किया गया। चारों तरफ बनी बाउंड्री वॉल को गिराने के साथ ही हॉल कमरों के अलावा अन्य निर्माण को तोड़कर धाराशाही कर दिया गया। तोड़ने की कार्रवाई देर रात्रि तक चलती रही। सुरक्षा की दृष्टि से प्रार्थना केंद्र जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी गई, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी प्रवेश वर्जित था। बताया जा रहा है कि भुलंडीही गांव निवासी दुर्गा प्रसाद यादव लगभग 10 सालों से गांव में यीशु प्रार्थना सभा का कार्यक्रम चला रहे थे और प्रशासन को कानो कान भनक नहीं थी कि प्रार्थना की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। और जब प्रशासन को इसकी जानकारी हुई तो आनन फानन में कदम उठाया, जिसका नतीजा ये निकला कि बुधवार की देर रात्रि तक प्रार्थना स्थल पर बाबा का बुलडोजर गर्जा और 3 मंजिला इमारत को धराशाही कर प्रशासन साफ तौर पर चेतावनी देने का काम किया कि जो लोग इस तरह से अवैध कब्जा कर गैर कानूनी निर्माण करवाया उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि देश का प्रमुख चैनल G News लगभग 7 वर्ष पहले जीवन ज्योति प्रार्थना की ग्राउंड रिपोर्ट कर लगभग 24 घंटे तक लगातार सीधा प्रसारण किया था, जिसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में जीवन ज्योति प्रार्थना स्थल को सील कर दिया। धाराशाही हो रहे प्रार्थना स्थल पर पत्रकारों को जाने की अनुमति नहीं मिली। बुलंडी गांव में धाराशाही हो रहे जीवन ज्योति प्रार्थना स्थल की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे पत्रकारों को पुलिस ने प्रार्थना स्थल पर जाने से रोक दिया। उन्हें मौके पर जाकर खबर कवरेज करने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करता है कि जब आप अवैध कब्जे को खाली कराने का सही काम कर रहे हो तो पत्रकारों से दूरी क्यों? पत्रकारों को दिखाते हुए प्रार्थना स्थल को धाराशाही करना चाहिए था। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि शायद प्रशासन इसलिए पत्रकारों को मौके पर खबर कवरेज करने की अनुमति नहीं दी ताकि मीडिया द्वारा चलाई गई खबरों से भीड़ उग्र हो जाए, जिससे प्रशासन को चुनौतियों का सामना करना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए शायद मीडिया को मौके से दूर किया गया हो। प्रार्थना स्थल का मुख्य द्वार व बाउंड्री वॉल किसने गिराई बनी पहेली। जीवन ज्योति प्रार्थना स्थल का मुख्य द्वार व बाउंड्री वॉल को बीते गुरुवार की आधी रात के बाद अज्ञात लोगों ने JCB की मदद से धराशाही कर दिया, जिसके अगली सुबह जानकारी होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मीडिया मौके पर पहुंचा, धराशाही हुए मुख्य द्वार व बाउंड्री वॉल की जानकारी ग्रामीणों से साझा करना चाहिए तो कोई भी मीडिया के कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रशासन से जानकारी की गई तो प्रशासन ने धराशाही हुए मुख्य द्वार व बाउंड्री वॉल से अनभिज्ञता जताते हुए मामले से पल्ला झाड़ती नजर आए। जीवन ज्योति प्रार्थना स्थल की 3 मंजिला इमारत को जमींदोज़ तो कर दिया, लेकिन बीते गुरुवार की आधी रात के बाद धराशाही हुई मुख्य द्वार व बाउंड्री वॉल को किसने गिराया, ये एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। जौनपुर से आनंद कुमार की रिपोर्ट।